आज इस बहस के पैनल में हम दो अहम मुद्दों पर बहस करेंगे। आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि 2019 के आम चुनाव से पहले देश में दंगे कराने की साजिश रची जा रही है। विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, खुद धर्म की राजनीति की बुनियाद पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। देश की सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी पर यह आरोप बेहद खतरनाक। हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा इस बात पर भी होगी कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर ईसाई मिशनरीज के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। झारखंड में मदर टेरेसा की संस्था से जुड़ी ईसाई मिशनरीज पर संस्था के बच्चों को बेचने का आरोप लगा है, तो बहस इस पर भी होगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर दंगे की साजिश का है। निर्मला सीतारमण के आरोपों पर हमारा पहला सवाल है कि क्या कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है? दूसरा सवाल है कि क्या धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस? तीसरा और सबसे अहम सवाल, क्या दंगों से 2019 में कांग्रेस जीतेगी देश? निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, पहले आइए उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। द कांग्रेस पार्टी इज प्लेइंग अ डेंजरस गेम, प्लेइंग द कम्युनल डिविजन, playing up the card of religion. It's frightening. The Congress party is playing a dangerous game, playing the communal division, playing up the card of religion. It's frightening that it may lead to the kind of division and the kind of communal disharmony which prevailed during 1947 partition. Congress party shall be solely responsible if any disharmony plays out between now and 2019 elections. तो निर्मला सीतारमण के ये बेहद गंभीर आरोप, और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद हैं, हमारे साथ आरएसएस विचारक गीता भट्ट भी इस चर्चा में आप शिरकत कर रही हैं, साथ ही हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं। शहजाद राजनीतिक विश्लेषक हैं, अक्सर उन्हें टीवी डिबेट्स में आजकल देखते हैं। एडवोकेट इश्करण सिंह भंडारी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं तहसीन पूनावाला, तहसीन यूथ फॉर कांग्रेस के फाउंडर हैं, साथ ही सोमनाथ सिंह राय भी हमारे साथ हैं, टीएमसी के नेता हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, तो तहसीन शुरुआत तो आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी पर ये बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि धर्म के आधार पर यह चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे माननीय रक्षा मंत्री की। रक्षा मंत्री फाइनेंस पे बात करती है, पॉलिटिक्स पे बात करती है, जो डिफेंस है, रफाल है, कभी उस पर एक बयान, आज तक एक टिप्पणी नहीं कर पाई है वो। लेकिन खैर वो बात अलग है। रक्षा मंत्री कहती है कि कश्मीर में सीज फायर नहीं होगा, उसके बाद सीज फायर हो जाता, तो खैर वो कितने सीरियस डिफेंस मिनिस्टर, उस पर हम कभी और डिबेट करेंगे। हम डिबेट इस विषय पर करते, क्या इस देश के संविधान में कहीं लिखा है कि मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में कहीं पे लिखा है कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? उनकी अपेक्षा नहीं है, वे अपनी अपेक्षाएं किसी राजनीतिक दल के पास नहीं रख सकते। और जो पार्टी के मुखिया यानी हमारे वजीर आजम कहते हैं मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूँ, गौर से फरमाइए मेरे शब्दों पर, वजीर आजम कहते हैं मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूँ, वे पार्टी कह रही है कि मुसलमान सिर्फ अपनी अपेक्षा रखते हैं राहुल गांधी के पास, एक जनिया धारू के पास। ये पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है, मैं समझ नहीं पा रही, ये पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है? मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, धारी है कि मुस्लिम धारी है, आप जनता को आपने पूरी तरह से कंफ्यूज, एक लाइन में मैं समझाता था। अगर आप शिव भगवान का कैलाश देखें तो वहां पर दुर्गा माँ, उनकी पार्वती है, उनकी जो अर्धांगिनी है, वहां पर गणेशा है, कार्तिकेय, उनके साथ पीकॉक है, सांप है, अलग अलग जो
जो हमारी डाइवर्सिटी एक होती है कैलाशा पर, तो अगर मुसलमान शिव भक्त राहुल गांधी के साथ एक होकर देश को आगे ले जाना चाहते और शिव भगवान की तरह राहुल गांधी कहते हैं, जैसे शिव भगवान सबको ले चलते, उन्हीं की राह पर चलते, हम सबको ले जाएंगे और देश को आगे ले जाएंगे, इसमें राम के नाम पर सत्ता करने वाली भाजपा को प्रॉब्लम क्या है? शहजाद, अभी तक हम सुनते थे गिरगिट रंग बदलता है, ये तो कांग्रेस पार्टी उतनी ही तेजी से रंग बदलती है। नहीं, आपको अचरज क्यों हो रहा है? इसलिए जनेऊ कोट के ऊपर पहना था। कोट पे पहनने से क्या होता है, निकालने में भी आसानी होती है और जनेऊधारी के पीछे जो असली जनेऊधारी चेहरा है वो दिखने में भी आसानी हो जाती है। पर सवाल वो नहीं है। एक तो मुझे बड़ी आपत्ति है कि इन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान शिव से की, पर चलो मैं उसको छोड़ भी देता हूँ। और निर्मला सीतारमण एक महिला कार्यकर्ता है अपनी पार्टी की, तो क्या वो प्रवक्ता के रूप में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकती? ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आज आप देखिए एक श्रृंखला है, कपिल सिब्बल कोर्ट में जाके राम मंदिर को अपोज करते, कहते 2019 के बाद इसका फैसला आने दीजिए, तब तक राम मंदिर को अबेंस में डाल दीजिए। फिर रामायण एक्सप्रेस की कल डिबेट हमने की, उस पर भी इनको आपत्ति, गरीब नवाज एक्सप्रेस पे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर चुनाव आते हैं तब ये हिंदुओं को लिंगायत से बांटने का भी कार्ड खेलते हैं कर्नाटक के टाइम पर गुजरात के चुनाव के टाइम पे ये चुनावी हिंदू बनते। तो असलियत में इनका जो जेएनयूधारी चेहरा है वो एक क्लोज डोर मीटिंग के माध्यम से आज छपा है इनकलाब में और वो बाहर आ चुका है। असलियत में ये लोग जो है वो वोट बैंक की तरह, संविधान में ये नहीं लिखा कि मुसलमानों की पार्टी नहीं बन सकते आप, पर संविधान में ये जरूर लिखा है कि आप किसी कौम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के लिए नहीं कर सकते, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि विपक्षी पार्टी पर दंगे की साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये दंगे की साजिश रची जा रही है, कोई सबूत है क्या इसके लिए? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोग जिस तरह से पिछले एक अरसे से संप्रदाय विशेष को भड़काने में जुटे हुए हैं, आपने बीच के दिनों में देखा कि दलित जो एससी एसटी के मामले में किस तरह से कांग्रेस के लोग देशव्यापी जो सांप्रदायिक उत्पात, जाति उत्पात मचाने का जो प्रयास था उसमें सम्मिलित पाए गए बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से कनेक्टेड थे, उनकी गिरफ्तारियां भी इस संदर्भ में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विविध इलाकों में कांग्रेस और कांग्रेस के साथ समविचारी पार्टियों के लोग भी जो है इसमें पकड़े गए। दूसरी चीज, जिस तरह से राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने एक तो अपनी असलियत को बता दिया। 1947 से लेकर 2018 तक कांग्रेस की नीति जो मुस्लिम लीग किया करती थी प्री 1947, वही नीति है 1947 के बाद कांग्रेस करती रही। एक मुस्लिम समाज के लोगों का वोट लेना प्लस हिंदू समाज का विभाजन करना, हिंदू समाज का विभाजन करके जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो हमारे एससी एसटी कैटेगरी के लोग हमारे जो मित्र हैं, उन मित्र जातियों को अलग थलग करना हिंदू समाज से, और एक वोट बैंक तैयार करना। उस वोट बैंक तैयार करके हमेशा विभाजनकारी राजनीति करके एक जो है इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति करना। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये ध्रुवीकरण होता है तो फायदा तो आपको मिलता है, किया करती थी, लेकिन ध्रुवीकरण होता है तो फायदा तो आप ही लेते हैं ना। बिल्कुल, हमको इस तरह का फायदा नहीं चाहिए, बिल्कुल हमको इस तरह का फायदा नहीं चाहिए। इस तरह का फायदा हम जो है चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे बड़ा है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद व्यक्ति है। हमारे लिए कोई एक वंश जो है उसको सत्ता में टिकाए रखना सबसे बड़ी आवश्यकता नहीं है। 2014 में एके एंटनी ने स्वयं कहा था, उनकी रिपोर्ट ने कहा था कि आप जिस तरह से मुस्लिम पार्टी की तरह बिहेव किए उसका आपको नुकसान हुआ। लेकिन चार वर्षों के बाद कांग्रेस घूमकर फिर उसी स्थान पर खड़ी है, और राहुल गांधी जो गुजरात के चुनाव में पंडित राहुल गांधी हो गए थे, आज वो खुलकर कह रहे हैं कि मैं मौलाना राहुल गांधी हूँ, और कांग्रेस इसको स्वीकार। ठीक है, गीता भाट, ये 2019 का चुनाव धर्म के आधार पर ही लड़ा जाएगा जो निर्मला सीतारमण जी कह रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मीमांसा जी, जो हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष सेकुलर शब्द है वो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने ही जोड़ा था, और इसी कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षा रही सोनिया गांधी ही वो है जो सेकुलर वोट लेने के लिए इमाम बुखारी के पास जामा मस्जिद पहुंची थी। तो ये अपने आप में बहुत स्पष्ट करता है कि कांग्रेस की नीति
कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है गीता, मैं बोलती हूँ कि ये जो ऑडियो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कर लें और टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसके बाद आपका मैं रिएक्शन लेती हूँ. आप इस पे कुछ क्लेरिफिकेशन ठीक है मैं गीता जी को जवाब दे दूँ. गीता जी बिल्कुल सही कह रही कि सोनिया जी गई थी इमाम से समर्थन लेने. ये भी ऐड कर दे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे और उसके साथ हाल ही में विजय गोयल जी भी गए थे, तो उन पर भी थोड़ा टिप्पणी कर दे, उनको भी अनसेक्युलर बुला दे गीता जी. नहीं तो आप मतलब जाएंगे आप नहीं उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन तहसीन आप मतलब जाएंगे, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप करेंगे तो वो सही हो जाएगा. विजय गोयल को जस्टिफाई कर रहा हूं, इमाम भी इस देश के वोटर है, पंडित जी भी वोटर है, दलित भी वोटर है. धर्मगुरु का ये काम नहीं है ना कि वो राजनीति में दखलंदाजी करें या आसाराम जी को आसाराम जी को प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे वजीर आजम बादशाह जी आसाराम जी तो प्रार्थना करो कहिए राम रहीम जी प्रार्थना कर रहे थे सोनिया गांधी जी के आंसू बाटला एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकवादियों के लिए भी इनकी सोनिया माता के आंसू बहे थे. और ये भी बता दूं कि दिग्विजय सिंह को हिंदू टेरर की शब्दावली का इस्तेमाल करने के लिए भी राहुल गांधी ने कहा था. राहुल गांधी ने 2008 में कहा था कि लश्कर ए तैयबा से कोई खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवादी से खतरा है. ये लश्कर ए तैयबा को क्लीन चिट देने वाले हिंदुओं को आतंक से किसने जोड़ा? नहीं आप मतलब मुसलमानों की पार्टी है लेकिन आप बीच में दोनों हाथ में आप लड्डू रखना चाहते हैं. आप खुश करना चाहते हैं मुसलमानों को भी जो आपका परंपरागत वोटर है. बीच में आपको लगा कि नहीं गुजरात जा रहे हैं कर्नाटक जा रहे हैं तो आपके जो हिंदू वोट है उनको आपको लामबंद करना है, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी. आप 2019 का चुनाव आ रहा है तो आपको लग रहा है नहीं मुस्लिम वोट बैंक आपसे ना चिटक जाए. प्रेम भाई आप इसका जवाब दीजिए. संघ आतंकवाद बिल्कुल कहा गया था, ये शब्द कहने वाले आर के सिंह है, वे अभी एमपी और मिनिस्टर आपके सरकार में. आप आर के सिंह को इस शो पे खंडन कीजिए. बिल्कुल संघ आतंकवाद का शब्द कहीं प्रयोग में नहीं हुआ. संघ आतंकवाद को अपने संबंध है आर के सिंह के शब्द जितना आतंकवाद से कांग्रेस का संबंध है. कांग्रेस का आतंकवाद से भयंकर संबंध है. टाइगर मेमन कांग्रेस के सांसद श्री मुरली देवड़ा के पत्र से पासपोर्ट प्राप्त करने में सफल हुए थे. वे अब मुरली देवड़ा तो आतंकवादी हो गए आपकी दृष्टि में, जिन्होंने कहा सब आतंकवादी आज तक रिकॉर्ड पे आज तक विड्रॉ नहीं किया. आप उनके खंडन बिल्कुल संघ आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं कीजिए. बिल्कुल आप राहुल गांधी पर क्या कहना चाह रहे हैं? प्रश्न बहुत सिंपल है. 44, 45 राहुल गांधी को यही नहीं खंडन कीजिए. राहुल गांधी का अस्तित्व ही नहीं मानते. राहुल गांधी का अस्तित्व राहुल गांधी का अस्तित्व आप अस्वीकार कर रहे हैं. आप राहुल गांधी आप सत्ता नहीं उसी पर तो राहुल शहजाद ने आपसे क्या सवाल पूछा? शहजाद ने आपसे जो सवाल पूछा उसका आपके पास उत्तर है क्या? नहीं शहजाद भाई ने आपसे जो सवाल पूछा क्या आप उसका उत्तर नहीं देना चाहते? राहुल गांधी ने शहजाद भाई ने आपसे शब्दों का प्रयोग बहुत साफ शब्दों में कहा कि लश्कर ए तैयबा की तुलना में हिंदू आतंकवाद को खतरनाक मान रहे थे. और 2015 के बाद आप कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवाद शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया. क्या आप गिरगिट की तरह परिवर्तित नहीं होते? और आपका ये गिरगिटी आवृत्ति जो है उसकी निंदा करना क्या गलत है? आपकी गिरगिटी आवृत्ति को बेनकाब करना उसका विमर्श करना ये गलत है? गलत है. आपके मंत्री ने कहा है प्लीज उसका खंडन कीजिए. आर के सिंह ने कभी कहा ही नहीं. और आप उसको अस्वीकार कर रहे हैं. राहुल गांधी खुद को मुस्लिम पार्टी कह रहे हैं ना आरएसएस की पब्लिक. ये तो हमने तो ऊपर नहीं सर चस्पा नहीं किया उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल्स का बना. तहसीन भाई हमने तो चस्पा नहीं किया राहुल गांधी. सोमनाथ सिंह रॉय भी हमारे साथ है. सोमनाथ जी ये देखिए कांग्रेस और आपकी पार्टी के बीच में ये एक कॉमन फैक्टर है माइनॉरिटी अपीजमेंट. अब देखिए कांग्रेस जो है राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जी कांग्रेस जो है वो तो मुसलमानों की पार्टी है और पश्चिम बंगाल में तो हिंदू बसते ही नहीं यही मानती है ममता बनर्जी. वहां तो सिर्फ मुसलमान ही हैं और उन्हीं को खुश कर करके आप दोनों पार्टियां जो हैं आप मोदी को हरा देंगे. मैडम ऐसा कोई पार्टी है जो 72% वोट छोड़कर 28% वोट में जाएंगे? पहली बात ये. दूसरा बात जब दंगल का बात कर रहा था हमारा डिफेंस मिनिस्टर तब हमको एक चीज लग रहा था कि इंडिया में जहां पर भी जो भी स्टेट में दंगा होते हैं वहां पर अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं अलग अलग दल वहां पर शासन करते हैं लेकिन दंगा का बात जब होते हैं एक कॉमन नाम आते हैं वो बीजेपी का. ये क्यों है? ये तो वो जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है उनको बताना चाहिए. पहले टीएमसी का हाथ तो बार-बार मिलता है उनको भी बताना चाहिए.
दूसरा बात है अगर आप लोग 72% हिंदू को एक साथ नहीं ले आ सकते तो इसका तो आपको मानना चाहिए कि आप 72% हिंदू को एक साथ नहीं ले आ सकते। 28% वोट के लिए अगर 72% हिंदू वोट कोई माइनस करेगा ऐसा कोई भुरबागी में नहीं सोचेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कैसे आप लोग हनुमान जयंती पर प्रतिबंध आपने लगाया था। हिंदुओं के बारे में कहाँ सोचा जाता है पश्चिम बंगाल में? जरा मुझे एक एक एग्जांपल दे दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए पश्चिम बंगाल में। सचा और वहाँ किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, आप आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। अगर ये मुस्लिम को ऊपर ले आने के लिए ममता बनर्जी उसको हेल्प कर रहे हैं और आप लोग इसको तुष्टीकरण का बात कर रहे हैं तो तुष्टीकरण भी ममता बनर्जी करेंगे। पार्टी वाला बार बार बोल रहा है 72% ऐसे तो लगभग 80% है, उधर भी आपने 8% हिंदुओं को खत्म कर दिया। आपकी सोच देखिए कि जो 79.6% हिंदू है सेंसस के हिसाब से उसको भी 72% कर दिया, मतलब आपने आंकड़ों में भी 7% हिंदू गायब कर दिए। यही आपकी सोच झलकती है बंगाल से लेकर हर जगह पर कि हिंदुओं को खत्म करो, हिंदुओं को कम करो, हिंदुओं को बांटो। यही स्कूल से तो राहुल गांधी ने लिंगायत बने हिंदू किया कर्नाटक, दलित को आप लोग मारते हैं। अरे भैया पहले आप आंकड़े सही कीजिए, आंकड़े सही कीजिए। इस देश में 79.6 हिंदू मैं आंकड़े से बात कर रहा हूँ, आप बोलिए मैं मियां होने के लिए तैयार हूँ लेकिन बीजेपी का दलाल होने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। अरे भैया आप देश के हित में बात करो, पर आपको जो है ममता जी की पॉलिसी और ममता जी का हिंदू विरोधी जो एक चेहरा इतना पसंद है कि आपको और कोई चीज नहीं सूझ रही है। हम लोग का पीठ पे स्टैंड पे आपको आपको किसी का चेहरा नहीं नजर आता है वहाँ पे। सिंघा रोए हिंदू आबादी नहीं नजर आती है वहाँ पर, मुस्लिमों के लिए सारी पॉलिसीज ड्राफ्ट होती है, उन्हीं के बारे में सोचा जाता है, उन्हीं के हितों के बारे में जो है पॉलिसीज लागू की जाती है। बंगाल में मुसलमानों की स्थिति सबसे बदतर है ये कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से। अच्छा फादर दिनेश था सबसे अगर सिंगर है, मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे क्योंकि देखिए दो मसलों पर आज चर्चा करनी है, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। मैं चाह रही हूँ कि सारे पैनलिस्ट के पास एक मिनट में चली जाऊँ, एक मिनट फादर दिनेश दास भी हमारे साथ हैं। फादर दिनेश एक बात, ये बिशप्स की ओर से हमने देखा है कि हर चुनाव से पहले चिट्ठी जारी हो जाती है कि राष्ट्रवादी ताकतों को हराना है। ये 2019 के चुनाव से पहले आप कहते हैं कि अशांत राजनीतिक माहौल है, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे जब इस तरह से धर्म के आधार पर ये पार्टियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए मीमांसा, इस विषय पर बहुत बार डिबेट हो चुका है, बहुत बार वार्तालाप हो चुका है और बहुत से वक्ताओं ने अपने विचार रखे, हमने भी अपने विचार रखे हैं। धर्म एक अलग बात है और राजनीति एक अलग बात है, हम दोनों को मिक्सर करके नहीं चल सकते। और राजनीति जिनका काम है राजनीति करना, वो राजनीति करें। और हम तो यही कहेंगे कि जितने राजनीतिज्ञ हैं, जो जितने भी हैं, वो हर एक को एक ही नज़र से देखें, उसमें विभाजन ना करें। जब जब विभाजन होगा, लोगों के बीच में विभाजन होगा, देश खत्म होगा। देश की क्यों ये कहा जाता है कि धर्म निरपेक्षता खतरे में है, क्यों लोगों से अपील की जाती है कि अशांत राजनीतिक माहौल है, प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए, इस देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है, ये अपील क्यों की जाती है? देखिए ऐसा क्या हो रहा है इस देश में? उस वक्त ये बातें कही गई थी, उस वक्त ये कई ऐसी बातें थी जो चर्चाएं में थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने इस बात को कहा था और सब लोग चारों तरफ यही चर्चा था कि संविधान खतरे में है, पर किस तरह से खतरे में ये किसी को भी नहीं मालूम था। क्या बातें थी, क्या क्या हो रहा था, ये सब जानते थे और सब नहीं भी जानते थे, इसलिए सब बात कर रहे थे। और पॉलिटिकल बातें उन सबको उठाती हैं, पॉलिटिकल लोग इन सब बातों को उठाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि संविधान हमारा है, संविधान में हमारा विश्वास है, कानून में हमारा विश्वास है, देश हमारा। आपको आर्कबिशप थॉमस मैकवान के बारे में पता होगा ना, उन्होंने गुजरात चुनाव में पत्र लिखा कि राष्ट्रवादियों को वोट मत दीजिए। गुजरात के चुनावों के दौरान भरी गुजरात की चुनाव रैलियां चल रही थी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, क्या ये हस्तक्षेप नहीं था राजनीति में? आप लोगों का व्यक्तिगत होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ
मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर कितने लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करते हैं, कितने लोग मताधिकार का प्रयोग करते हैं, आप ये बताइए। आप मुझे बताइए, में पूरे देश में आप बताइए कि आप नाम किसी को बिठा सकते हैं, सही मानते हैं सियासत में? यूरोप में तो आपका स्टेट ऑफ चर्च अलग हो चुका है, पर यहाँ पे थॉमस मकवान जी ने अपील की कि राष्ट्रवादियों को वोट मत दीजिए। आप इसके साथ हैं या इसका खंडन करते हैं? मैं आपको बताऊंगा, दिनेश बहुत सीधा सा सवाल है, धर्म गुरु का काम क्या होता है? क्या उन्हें राजनीति में दखल अंदाजी करनी चाहिए? इस तरह की चिट्ठियां जारी करना सच्चाई की क्या मकसद है, क्या औचित्य है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो चिट्ठी गलत है, मैं अगर मान लीजिए तो आप मुझे एक मिनट जवाब देने दो। तो हमारे असेंबली में जब आप एक धर्म गुरु को बुलाते हैं, हमारे स्पीकर और गवर्नर के ऊपर बैठे, चीफ मिनिस्टर के ऊपर, और वे कहते हैं कि राजनीति के ऊपर धर्म होते हैं असेंबली के अंदर, क्या वो सही है या गलत है? आप इसका जवाब ले लीजिए। चुनावों में राजनीति में दखल देकर वोट मांगना धर्म के नाम पे, या अपने आप को धार्मिक पार्टी बनाना मुस्लिम लीग की तरह या AIMM की तरह, वो क्या सही है? जायज करा रहे उसको आप? अगर जायज नहीं तो बिल्कुल चुनाव के समय मांग सकते हैं ना, आपको पता है संविधान में क्या लिखा है। तो ऐसी चिट्ठियां जारी करना जिसमें आप एक समुदाय को प्रभावित कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी ताकतों को हराना, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा किसको वोट देना किसको नहीं देना, राष्ट्रवादी ताकतों को हराना है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था इसके लिए, कुछ गलत होगा ना तभी नोटिस जारी किया गया। राष्ट्रवादी ताकत को हराना है इसका मतलब भाजपा को हराना है, इसका मतलब भाजपा को जिताना है, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवादी ताकतों को हरा सकती है। लेकिन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप मुझे एक स्पेसिफिक चीज का जवाब दीजिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। जो व्यक्ति कहता है स्पेसिफिकली मैं एक हिंदू नेशनल चुनाव के दरमियान और वे हमारे वजीर आजम बनते, वो सही है गलत है? आप पैमाना आप तहसील तहसील पैमाना आप तहसील अभी अभी आप कह रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं ना, लोकतंत्र खतरे में है, धर्म निष्पक्षता खतरे में है। मेरा अगला जो सवाल होगा ना, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल सेक्युलरिज्म के उन ठेकेदारों से करेंगे, ये कथित सेक्युलरिज्म कह रही हूं मैं, उनके ठेकेदारों की ओर से जो ये बार बार कहा जाता है ना लोकतंत्र खतरे में है, जब बच्चे खतरे में आ जाते हैं तो ये क्यों नहीं सवाल किया जाता, तब उन्हें क्यों नहीं नजर आते बच्चे खतरे में? रांची में मदर टेरेसा से जुड़ी हुई मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एक बाल गृह पर बच्चों को बेचने का आरोप लगा है। पुलिस ने संस्था की एक सिस्टर को गिरफ्तार भी किया है, 4 में से 3 बच्चों को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि मोदी सरकार ईसाई मिशनरियों को बदनाम कर रही है। Of charity, we know the mother name. Mother name is reputed all over the world. Now they cannot blame. If any individual do some blunders or some mistake, you can take action in individual. But you cannot say that all missionaries of charity is bad. You cannot say like this. किसी भी संस्था, किसी सोसाइटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी धर्म के लोग इस प्रकार काम करते हैं, इलीगल काम, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी को जो सच्चाई की ढूंढ करके और सामने आना चाहिए, किसी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ममता जी ने उठाया है उसका जवाब दे सरकार, क्योंकि अगर आप एक कौम के खिलाफ अभियान चलाते हो तो प्रूफ रखना जरूरी है। चौबीस बच्चों के बारे में अभी तक वो कहाँ हैं वो अभी ट्रेस नहीं हुआ है, वो अनुसंधान में उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी पर अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और मेरा पहला सवाल सिंगर रॉय आपसे है। ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं, द सिस्टर्स आर बीइंग टारगेटेड, बीजेपी वांट्स टू स्पेयर नो वन, हाईली कंडेमनेबल, लेट MOC कंटिन्यू टू डू देयर वर्क फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। यानी कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी अगर बच्चों को बेचने का काम कर रही है तो करने दिया जाए, आंखें बंद कर ली जाए। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैडम, ऐसा नहीं बोला ममता बनर्जी ने, एक ही चीज बोला है, मिशनरी ऑफ चैरिटीज ऐसे काम नहीं करते हैं। अगर एक दो आदमी ऐसा काम करते हैं उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसका अगेंस्ट
सोमनाथ सिंह रॉय कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ये घटना की उन्होंने निंदा की हो, कहीं उन्होंने जांच की बात कही हो, कहीं नहीं की है। मेरा बात है मिशनरी ऑफ चैरिटीज का अगेंस्ट, मिशनरी ऑफ चैरिटीज का अगेंस्ट कोई बात हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? कलकत्ता में, बंगाल में उन लोगों ने क्या काम किया आप लोगों को पता नहीं है। प्लस मैं बता रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं ममता, ये मदर टेरेसा का नोबेल जो प्राइज है वो भी छीन लेना चाहिए ये बच्चा चोरी नहीं, 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 अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है गलत काम करने का क्या? मैडम गिव मी जस्ट एक मिनट, राइट मैडम, गलत काम ये बच्चा चोरी का गलत काम बंगाल में आया जब तब एक आदमी अरेस्ट हुआ वो बीजेपी का एक लीडर, उसका नाम जूही चौधरी है। सिर्फ ये नहीं है, वो बच्चा चोरी के केस में उसके हेल्प करने के लिए बीजेपी का जो सांसद रूपा गांगुली और कैलाश बोरिके का अगेंस्ट भी कार्रवाई किया था सीआईडी ने। इसका मतलब ये नहीं है रूपा गांगुली या कैलाश बोरिके दोनों ही चोर है, बीजेपी पार्टी बच्चा चोरी के लिए इसका पीछे है, ऐसा नहीं है। वो अरेस्ट अभी भी जो जूही चौधरी है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो था वहां पर, वो बच्चा चोरी के लिए अभी अरेस्ट हुआ। इसका मतलब आप बोल सकते हैं क्या रूपा गांगुली, कैलाश बोरिके, बीजेपी पार्टी सब उसका साथ जुड़ा हुआ है? ये लॉजिक जब कठुआ कांड में कुछ लोगों ने गलत किया एक लड़की के साथ तो पूरी कौम को खटकरे में कौन खड़ा कर रहा था? पूरी कौम को खटकरे में कौन खड़ा कर रहा था? यह संदेश दिया जा रहा था कि तमाम वहाँ के जम्मू के हिंदू वहाँ पे बलात्कार, जबकि वहाँ के हिंदू लोगों ने ही उस लड़की का केस लड़ा, तब उसको किसने इस तरीके से पेश किया? वो पूरी लॉबी आप लोगों की लॉबी थी। मैं जवाब देता हूँ, वो पूरी लॉबी आप लोगों की लॉबी थी। कौन को नहीं, लेकिन ये बात एक सेकंड को, एक आध दो आदमी किसी संगठन से पकड़ा जाता है तो पूरे संगठन को आतंकवादी संगठन कहा जाता है, ये कौन करता है? तब आपके पैमाने बदल जाते हैं और आज आपके पैमाने बदल जाते हैं। मदर टेरेसा ने बहुत ही नेक इरादे से खोला होगा ये, लेकिन अगर कुछ गलत काम हो रहा है, नहीं नहीं सोमनाथ जी, मदर टेरेसा को बीच में मत लेकर आइए, मदर टेरेसा को बीच में मत लेकर आइए। उन्होंने कहा नोबेल प्राइज देना चाहिए, उसको बीच में मत लेकर आइए। यहाँ पर अलग अलग वॉटबाउटरी शुरू हुई है, एक तो पूनावाला साहब कहते हैं कठुआ में पूरे कौम को बदनाम किया गया, कौम को नहीं भाजपा को बदनाम किया गया, क्योंकि भाजपा के सिटिंग एमएलए ने रैली निकाली और जिस एमएलए ने रैली निकाली उसे प्रमोशन दिया गया। दूसरी प्लीज मैं अपनी बात खत्म करूं, झारखंड के एडीजीपी प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए बात, झारखंड के गुलाम अहमद मीर को क्या समझते हैं आप? कौन है रखे उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष को भाजपा कार्यकर्ता समझ रहे हैं? बात कीजिए गुलाम अहमद मीर को आप क्या समझ रहे हैं? और गुलाम अहमद मीर के खिलाफ आज तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रेम शुक्ला जी प्लीज एक एक करके टेसी नाम के लिए 20 सेकंड्स टू यू 10 सेकंड। झारखंड के एडीजीपी मिस्टर मलिक ने ये बात कही कि 280 बच्चे ने, चार बच्चे लापता हुए थे जिसमें से तीन मिल गए, सिर्फ एक बच्चा लापता हुआ था। तो मिशन ऑफ चैरिटी कहां से ले, लेकिन ये गुनाह कितना बड़ा है, ये गुनाह कितना बड़ा है, ये गुनाह कितना बड़ा है, इश्करण आपको बताएं, सरकार इश्करण हमारे साथ है और कानून अपने हिसाब से काम करेगा। अभी मैं आपको रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी दूंगी कि उसमें कितनी अनियमितताएं हैं। 2 सेकंड आप जरा थोड़ा धैर्य रखिए। इश्करण बताएं, एक सेकंड, आप मेरे साथ पूरे प्रोग्राम में पहली बार ही आई हैं इसलिए मुझे एक मिनट बोलने दीजिएगा। यहाँ पे एक अद्भुत स्थिति है कि दो बच्चों को बेचा जाता है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर फुल स्केल इंक्वायरी ऑर्डर करने की जगह कोई भी रिस्पॉन्सिबल सीएम होगा तो वो फुल स्केल इंक्वायरी ऑर्डर करेगा कि कितने बच्चे पैदा हुए, कहाँ गए, किस प्रोसेस के थ्रू गए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे ये भी डर है, क्या पता बच्चों के ऑर्गन को हार्वेस्ट किया जा रहा हो मेडिकल साइंस के लिए, किसी को कुछ पता नहीं है। दो केस सामने आने पे फुल स्केल इंक्वायरी कोई भी रिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर लॉन्च करेगा, पर यहाँ पे क्या हुआ है, ममता बनर्जी ने आके डिफेंस में आई है। अगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर पहले दिन ही आके क्लीन चिट दे देगा कि चैरिटी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आप डिस्कस भी नहीं करोगे, तो आपको क्या लगता है कोई पुलिस ऑफिसर उस केस में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकता है? इसमें फुल स्केल इंक्वायरी होनी चाहिए, पिछले 10-15 साल के रिकॉर्ड देखे जाने चाहिए, पता नहीं बच्चे कहां गए हैं, बच्चे जो बच्चे एक सेकंड जो बच्चे प्लेस हुए हैं, जो बच्चे प्लेस हुए हैं उनकी देखभाल चाहिए। मैं आपको आप
का समर्थन नहीं कर सकते, आप अपराध का समर्थन नहीं कर सकते, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम यही कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? झारखंड पुलिस, भाजपा के नीचे। पहले ये तो सुन लीजिए, तहसील ये तो सुन लीजिए, तो आप क्यों इस बात को चुटला रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला है? इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि रिकॉर्ड जो है वो ढंग से मेंटेन नहीं किए जा रहे। जन्मे 110 बच्चे, उनमें से 52 की ही सूचना दी गई। जो वहां पर जो माएं हैं जो कि जन्म दे रही हैं बच्चों को, उनसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि बच्चों पर कोई अधिकार उनका नहीं होगा। तो गड़बड़ी तो हो रही है ना, तो आप कहिए कि हाँ जांच होनी चाहिए। आप कैसे आग बंद कर सकते हैं? जांच अभी तहसील चल रही है। बीजेपी बीच में कहां से आ गई? दो सेकंड। फादर दिनेश के पास समय जा रही हूँ। फादर दिनेश, मेरा जो आपसे सवाल था, जो ये चिट्ठियां जारी कर दी जाती हैं, लोकतंत्र खतरे में आ गया, धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई, मुझे ये बताइए इतना बड़ा खतरा बच्चों पर ये क्यों नहीं नजर आता? चर्च इस पर चुप क्यों है? देखिए मीमांसा, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सब बातें बहुत बार हो चुकी हैं और इन पर बार बार चर्चा करना मैं समझता हूँ कि समय का बर्बादी है। बच्चे खतरे में हैं, फादर दिनेश खतरे में हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल मीमांसा, मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप बोलने देंगी तो उस पे ध्यान। मैं वो कह रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा एक देश के सामने, आवाम के सामने एक सवाल लेके आई है कि कुछ बच्चे खतरे में हैं। हमें हमारा देश में न्याय है, कानून है, हमारा उस पर विश्वास है। अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी है और उसको अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। नहीं, आपका स्टैंड है, पर चर्च खुलकर कुछ इस पर नहीं बोल रहे हैं। क्लियर कट स्टैंड है। जो चिट्ठियां जारी कर दी जाती हैं, नहीं मैं बिल्कुल खुलकर बोल रहा हूं, पहले क्या अपराध हुआ है? इतने अहम मुद्दे पर देखिए, जो बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, देखिए मीमांसा, उन्हें बेचा जा रहा है, उनकी तस्करी हो रही है, ना जाने क्या क्या हो रहा है। मीमांसा, आपने ज्वलंत मुद्दा देश के सामने रखा, उस पर हमने अपनी राय रखी कि जो अगर अपराध हुआ है, अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम कर दिया, बाकी काम रह गया न्याय का, कानून का। वो कानून अपना काम करे, कानून देखे कि वहां पर क्या क्या गलत हुआ है, क्या गलत नहीं हुआ है, और जो अपराधी उसको सजा दी जाए। अगर हम यूं कहते हैं, अगर हम यूं कहते हैं कि मदर टेरेसा का अलंकार छीन लिया जाए, ये गलत नहीं होता है, ये गलत है। मुझे ये बताइए, आप जो इतने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ बीजेपी नेताओं का नाम अगर आ गया था इस मामले पर, आपने सब कुछ बीजेपी पर थोप दिया? क्या किया आपने इस मामले में? बीजेपी को नहीं ठोका, आपने निंदा तक नहीं की इस घटना की। हम लोग बोल रहे हैं उसका नाम आया, इसका मतलब ये नहीं है पूरा बीजेपी पार्टी बच्चे चोरी का संदेश बोल रहा है। हम लोग ये नहीं बोला कहां पर भी, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं। पूरी संस्था को कोई बदनाम नहीं कर रहा है, चोरी हुआ पूरा मिशनरी। अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले की। बात सुने, जब गांधी मुझे तोड़ा था ना ये बीजेपी वाला, और चीफ मिनिस्टर को आके ऐसा स्पीच देना जिसको वो क्लीन चिट देके इसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बोल रही हैं, वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ है। और मिनिस्टर जो गार्लैंड करते, जो लोग लिंचिंग अक्यूज्ड है वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, जो तिरंगा फैलाते वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। ये बड़ी दुखी बात है, भाषण दीजिए सर, ये इस सामाजिक समस्या को और जो एक खतरा है देश के भावी नागरिकों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिस तरह का खतरा है, इसको बड़े दुख की बात है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है उस जो सामाजिक समस्या है। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि बच्चों को इस तरह से जो बेचा जा रहा है, इस विषय पे बात करने को लोग तैयार नहीं है और उसका राजनीतिकरण करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं मीमांसा जी एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूंगी कि 2015 में जो एडॉप्शन के रूल्स है, गोद लेने के, दूसरे को सरकार ने बदला और उसके बाद मिशनरी ऑफ चैरिटीज ने 2015 में कहा कि हम आज से अपने जो एडॉप्शन सेंटर्स हैं, जो गोद लेने की प्रक्रिया है, उसको हम समाप्त करते हैं 2015 में। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने अपने अनाथाश्रम जो है, जो कि निर्मल शिशु भवन के यहां से चलते थे, जहां से बच्चे गोद दूध देते थे, कहा कि हम आज से इसको डीरजिस्टर, हमारे 13 चलते हैं, उन्हें डीरजिस्टर करते हैं। और क्यों कहा करा उन्होंने ये, मतलब सरकार की जो नीति आई उसके विरोध में उन्होंने इसे बंद किया। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसमें एक जो है बदलाव ये किया
कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं, जो महिलाएं जिनकी अगर शादी नहीं हुई है लेकिन उन्हें भी मातृत्व भाव का सुख लेने का जो है उन्हें भी एक अधिकार है, उसको उसके विरोध में उन्होंने कहा कि क्या नैतिकता सिखा सकती है। ठीक है सोना जी, ये जरा जवाब दीजिए, धार्मिक झोला ओढ़कर अगर कुछ अधर्म हो रहा है तो उसे रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए? आप देखते हैं ना कितने धार्मिक गुरु हैं, हिंदू धर्म गुरु को भी देख लीजिए आप, अगर कुछ गलत कर रहे थे तो कहाँ पहुँचे, जेल में पहुँचे। तो आप अपराधी का धर्म देख कर ये तय नहीं करेंगे कि अपराध हुआ या नहीं हुआ? आप कहना क्या चाहते हैं? मैडम अपराधी सबसे बड़ा अपराधी बीजेपी को अगर ये देश सह सकते हैं तो अगर ये तो मिशनरी ऑफ चैरिटीज तो कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये लोग ये बीजेपी वाले लोग बबली मस्जिद तोड़ दिया था, पूरा देश में दंगा लगाया था, तब रस्सी में दंगा बात करने के लिए दो औरत खड़ा था, एक मंदिर राजी और एक शेर मदर टेरेसा। आप बोल रहे हैं बस अपना वोट बैंक संजो कर रखना चाहते हैं, बस ये स्ट्रेटजी आपकी। आप लोग बोल रहे हैं मदर टेरेसा ममता बरसाएंगे आप ईसाइयों पर, मुसलमानों पर, ऐसा चलता है मैडम? उसी के सहारे आप 2019 आप लोग अभी बीजेपी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, और खुश रहते हैं आप खुश कर रहे हैं इसी के लिए अपराधी का अपराध जो है वो तभी तय होगा उसका धर्म देखकर। जवाब दीजिए, अपराधी का अपराध वो कौन सिलेक्ट करेगा मैडम? वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे क्या? और ये बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे अपराधी है कि नहीं? यहाँ पे ममता बनर्जी डिसाइड नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ये बोल रहे हैं मिशनरी ऑफ चैरिटीज को क्या काम किया है देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए, पहले देखिए। अफसोस की बात मैं बता रहा हूँ, जब मंत्री बाहर था आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, आप ये स्टैंड ले रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे? दो कर्मचारियों ने जो वह काम करती है उस संस्था में, उन्होंने अपना अपराध कबूल किया है, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? चौधरी जिन्होंने अपराध किया, क्योंकि धार्मिक चश्मों के साथ आप अपराधियों को देख रहे हैं, आपकी दिक्कत नहीं है? धार्मिक चश्मे उतारिए और देखिए अपराधी को बिना धर्म के। जिसका दलाली कर रहे हैं उसका दलाली कीजिए। मैं दलाली नहीं कर रहा हूँ, आप बचाव कर रहे हैं अपराधियों का, जो बच्चों को बेच रहे हैं उनके अपराधों को दलाली कर रहे हैं उसके लिए दलाली कीजिए। ममता बनर्जी अपराधी के साथ मतलब बच्चा बेचना नहीं है सोना जी, जरा जरा इन शब्दों को रिडिफाइन कर लीजिए आप, जरा अपने गरेबा में झांक लीजिए। क्यों नहीं, जरा अपने गरेबा में झांक लीजिए। कम से कम हम शिशुओं को बेच कर उनके उनके ऊपर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर बेचा जा रहा है उनकी तस्करी हो रही है वो इसलिए वैध हो जाता है, इसलिए स्वीकार्य हो जाता है क्योंकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी वो कर रही है, तो ये जस्टिफाई आप नहीं कर सकते सोमनाथ जी। जो अपराध है अपराधी है उसे उसे नजरिए से देखिए, भले ही उसका धर्म कोई भी हो, बस ये सलाह है, इस पर अमल कीजिए जरा सोमनाथ जी। मैसेज दे दीजिएगा अपने मुख्यमंत्री को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।